ये देखिए गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ आज वेज मोमोज बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए गाइस ये देखिए, मैंने ये जो है सभी सब्जियों को जो है ना मैंने चॉप कर लिया है बारीक। जैसे ये बंद गोभी ले लिया है, हरी प्याज ले लिया है, और उसकी डंठल होती है ना वो है, और ये देखिए दो सूखी प्याज है, और ये देखिए गाजर है, और इसमें मिक्स करने के लिए ये देखिए दो हरी मिर्च है, अदरक है, और हमने 4 से 5 लहसुन की कली ले ली है। तो गाइस वैसे तो मोमोज कई तरीकों का बनता है, पनीर मोमोज, नॉनवेज भी बनता है मोमोज में, लेकिन हम जो है कि वेज मोमोज आज बना रहे हैं। और इसके लिए गाइस ये है सब्जियां, और ये देखिए है मैदा, रिफाइंड ऑयल है, और ये है नमक, और भी गाइस जो भी मतलब इसमें जो भी चीज़ पड़ेगा वो सब मैं आप लोगों को आगे दिखाती जाऊंगी। तो ये हैं सब जो वेजेस हैं, सब मैंने काट लिया, चॉप कर लिया, और उसके बाद देखिए गाइस ये चटनी में जो चटनी हम बनाएंगे, तो ये देखिए 3 लाल टमाटर हैं अच्छे वाले पके हुए, और ये देखिए लहसुन है, और ये है सूखी मिर्च है। ये सूखी मिर्च को गाइस मैंने 3 से 4 घंटा पहले ही पानी में भिगो के इसको रख दिया है, ताकि इसको पीसने से ना बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। और गाइस एक सीक्रेट जो होता है इस चटनी में, जो मोमोज के साथ चटनी खाई जाती है ना, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो उसमें ये एक मिलता है मैगी मसाला, तो ये हमें चाहिए मैगी मसाला चाहिए। तो चलिए अब हम इन चटनी को जो है पहले सबसे पहले हम चटनी को पीस लेते हैं। तो लहसुन, टमाटर और सूखी मिर्च की जो है कि हम एक बढ़िया से जो है कि चटनी पहले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए गाइस हमारी चटनी जो है कि बन के एकदम रेडी हो गई है, मैंने पीस लिया है इसको। अब गाइस इस चटनी को जो है ना कि हमें जो है ना कि पकाना है थोड़ी देर के लिए, तो हमने देखिए ये गैस को ऑन कर दिया है, और एक छोटा सा बर्तन ले लिया है, क्योंकि चटनी थोड़ा ही है, तो जितना आपकी चटनी रहे उस हिसाब से आप जो है कि बर्तन लीजिएगा। तो ये देखिए चटनी है, और गाइस ये चटनी इसी तरीके से आप अगर बनाते हो मोमोज तो ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटनी लगती, बिल्कुल मार्केट वाला मतलब आपको टेस्ट आएगा। तो ये देखिए गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि चाइनीज़ खानों में जो है ना कि रिफाइंड ऑयल ज़्यादा यूज होता है, तो मैंने 1 चम्मच जो है रिफाइंड ऑयल लिया, और इस चटनी को जो है मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, और जो चटनी जार में था ना जो, तो उसमें भी हम पानी डाल के थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। तो हम इसी तरीके से जो है कि मोमोज की चटनी बनाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम ले सकते हो। तो देखिए गाइस उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा डालेंगे, 1/2 चम्मच से भी कम हम डालेंगे इसमें चीनी डालेंगे, और ये देखिए गाइस जो सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है इस चटनी की, मैगी मसाला, तो 1 चम्मच के लगभग जो है कि हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करके गाइस हम इसे ना अच्छे से जो है कि पका लेंगे, धीमी आंच कर देंगे और इसे अच्छे से हम पका लेंगे। तो देखिए गाइस इधर हमारी चटनी जो है कि पक रही है धीरे धीरे, अपना तैयार हो रही है, इधर हम जो है कि स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो उसमें हम जो है कि स्टफिंग में डालने के लिए सब्जियां तो काट ली हैं, और ये जो जैसे लहसुन है, अदरक है, और ये देखिए 2 हरी मिर्च मैंने लिया था ना, तो इसको हम थोड़ा सा जो है कि पीस लेंगे इसको दरबरा सा। तो देखिए हमारा दरबरा सा ही पीसना है, और ये देखिए फिर गाइस हम लेंगे एक कढ़ाई, और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ध्यान रखिएगा मोमोस में आप रिफाइंड ऑयल से ही बनाइएगा, जो अगर एकदम टेस्ट मार्केट वाला चाह रहे हैं आप ना खाने के लिए, तो आप रिफाइंड ऑयल जो भी चीज़ मैं डाल के बना रही हूँ ना वैसे ही आप बनाइएगा। तो उसमें देखिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, और गाइस इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ही जल्दी जल्दी जो है कि इसे मिक्स करना है सभी चीज़ों को, सभी सब्जियों वगैरह को। तो देखिए जैसे प्याज, अदरक, लहसुन हमारा थोड़ा सा जो है कि हल्का सा सोटे हो गया था, उसके बाद मैंने डाल दिया ये ये जो है सूखी प्याज डाल दिया मैंने। सूखी प्याज को भी थोड़ी देर चला के गाइस इसमें डाल देंगे हमारी सब्जियां, और सब्जियों को गाइस जैसे आप ग्राइंड कर लें, तो आप ज़रूर से इसे जो है सब्जियों को, इन सब्जियों को एक बार अच्छे से गार दीजिए, मतलब किसी कपड़े में डाल के इसे पानी इसका बिल्कुल निकाल लीजिए, नहीं तो अगर आप ऐसे ही बनाएंगे पानी डाल के, तो आपका मोमोज का स्टफिंग जो है ना वो जो है कि एकदम गीला हो जाएगा, जल्दी सूखेगा नहीं। तो आप ये ज़रूर से ध्यान दीजिएगा कि आपको घीस के उसके बाद कपड़े से अच्छे से पानी इसका निकाल देना है। उसके बाद गाइस देखिए इसमें जो है कि सभी सब्जियां डाल दिया मैंने, अब डाल दिया मैंने नमक,
और थोड़ा सा डाला आधे चम्मच के जितना मैंने डाला काली मिर्च। और एक चीज़ देखिए ये है गाइस सोया सॉस है, आपको एक चम्मच के जितना डालना है सोया सॉस। सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालना गाइस, नहीं तो जो है कि एक कड़वापन सा होता है इसमें, तो आपको एक चम्मच के जितना इसमें डाल देना है सोया सॉस डाल देना है। तो मैंने सभी जो है कि तो गाइस मैंने सभी जो है कि सब चीज़ों को मैंने मिला लिया है। अब इसे हम जो है कि ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ी देर अच्छे से चला के उसके बाद हम जो है कि गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो है कि स्टफिंग जो है मोमोज़ की बिल्कुल रेडी हो गई है। और इधर देखिए गाइस हमारी चटनी भी रेडी हो गई है, हमारी स्टफिंग और चटनी दोनों तैयार हैं। तो चटनी को भी हम बंद कर देंगे और उसके बाद चलिए हम मोमोज़ का आटा बना लेते हैं। तो उसके लिए मैदे में मैंने थोड़ा सा डाला है नमक और थोड़ी से ही डालेंगे गाइस हम रिफाइंड ऑयल एक चम्मच के करीब लगभग, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और एक टाइट डो बना लेंगे। टाइट आटा, जैसे हम आटा नॉर्मल रोटी के लिए गूंथते हैं ना वैसा नहीं, हमें बहुत ही थोड़ा सा टाइट सख्त आटा जो है कि मैदे का गूंथना है। और गाइस ये सब चीज़ें खाने में कितनी अच्छी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हो ना तो उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई चीज़ आप मार्केट से लेकर आते हो आप ध्यान रखिएगा, आप मतलब कभी भी देखते होगे कि आप मार्केट में लाओगे और बहुत इतना महंगा भी होता है थोड़े, लेकिन आप घर पर अगर थोड़ी सी मेहनत करके अगर बना लेते हो ना तो इतना ज़्यादा टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, और जो है कि खाने में भी आप पूरी फैमिली मतलब उतने में आप पूरी फैमिली खा सकते हो और बहुत खुशी भी होती है ये सब चीज़ें बना के ना। मतलब आपके बच्चे अगर खुश हो जाते हैं, हस्बैंड खुश हो जाते हैं, तो और आप खुद लगता है ना कि हमने कुछ एक नई चीज़ सीखी है। तो आप ये सब चीज़ें ना घर पे खुद ट्राई किया करिए, बनाया करिए। मैं कभी मतलब ऐसा नहीं कि रोज़ रेगुलर ये सब चीज़ें बनाती हूँ, नहीं ऐसा हो भी नहीं पाता, कोई नहीं बना सकता है। लेकिन हाँ जैसे आप महीने में 15 दिन 10 दिन पर आप मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाते हो ना, अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब कुछ भी फूड बनाते हो अलग अलग तरीके का, तो एक तो आप सीखते हो कुछ अच्छा और ऊपर से जो है ना कि आप अपनी फैमिली को खिलाते हो ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मेरा यही होता है, मैं डेली तो नहीं लेकिन मुझे हाँ कुछ बनाना रहता, कुछ खाना रहता तो मैं ज़्यादातर घर पे ज़रूर ट्राई करती हूँ कि घर पे मैं बनाऊँ और बच्चों को और फैमिली को खिलाऊँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आटे को ये मैदे को गूँथ लेना है और टाइट डो बनाना है। तो देखिए हमारा मैदा जो है कि एकदम रेडी हो गया है। देखिए गाइस हमारा मैदा रेडी हो गया था, तो हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था और अब चलिए अब हम बनाते हैं जो है कि मोमोस। और ये देखिए हमारी स्टफिंग भी तैयार है। और गाइस हल्का सा ऑयल लगा के हमें जो है ना छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है, जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना तो वैसे, लेकिन रोटी के जितना नहीं, पूरी के जितना भी नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी लोइयां बनानी, पूरी से भी छोटी छोटी बनानी है, क्योंकि मोमोज़ का साइज़ आप देखते ही हो कितना बड़ा रहता, तो उसी हिसाब से आप अंदाज से लोइयां छोटी छोटी बना लीजिए। देखिए गाइस हमारी सारी लोइयां मैंने बना लिया है, तो अब उसके बाद जो है कि हम छोटे छोटे जो है कि रोटी के जैसा जैसे बनाते हैं ना पूरी के जैसा वैसे ही बेल लेंगे। तो मैं 3-4 पहले बेल लूँगी उसके बाद जो है कि मैं बनाऊँगी। और इसके पहले देखिए गाइस ये मैंने हमारा देसी जुगाड़, तो ये देखिए क्योंकि हर किसी के घर में तो नहीं होता है इस तरीके से जो भी है वो कुछ बनाने के लिए, तो ये देखिए मैंने हैवी बॉटम का एक जो है कढ़ाई ले लिया, उसमें पानी डाला और एक जो है कि उसमें बर्तन डाल दिया जिसमें होल होता है वो वाला, और ऊपर से ढक दिया है। तो ये हमारा जो है कि स्टीमर एकदम से रेडी हो गया है। और चलिए हम बनाते हैं मोमोस, और उसके साथ साथ जो है कि मैंने इसको भी मैंने ऑन कर दिया है गाइस उसके साथ साथ, ताकि जो है कि ये गर्म होता रहेगा पानी और मैं इधर बनाती भी रहूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमें पतली पतली जो है कि छोटी छोटी रोटी के जैसा बेल लेना है। तो ज़्यादा नहीं बेलना है, आप जितना बनाते जाएं उतना एक एक बनाते जाइए, एक एक बेलते जाइए, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मैंने 2-3 ऐसे बेल लिया था, उसके बाद जो है कि मैं बनाना स्टार्ट करूँगी।
और गाइस आप अपने तरीके से जैसा भी आपको शेप आती है उस तरीके से आप बना सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं होता है और कुछ भी आप बना सकते हो। मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं हर मतलब जब भी कुछ बनाती हूँ तो मैं उसको बनाने से ज़्यादा मैं सीखने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से होगा ये चीज़ें, किस तरीके से। और एक बार में नहीं अच्छा बने तो आप दोबारा बनाइए, तीन बार बनाइए, चार बार बनाइए, तो देखेंगे ना आपको आपको अपने आप ही लगेगा कि नहीं उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और उसके बाद आपको जो है ना बनाने भी बहुत अच्छे से आ जाता है। कोई भी चीज़ हो गया, चाहे आपका मोमोस है, पिज़्ज़ा ले लीजिए, बर्गर है, कुछ भी चीज़ आप जो इस तरीके की कुछ भी बनाते हैं या कोई भी खाना भी किसी तरीके का बनाते हैं, एक बार में अगर नहीं बनता है तो आप दो से तीन बार ट्राई करेंगे तो आपको ऑलरेडी आ जाता है। तो ये देखिए मैं, क्योंकि मैं ना ये कई बार मोमोस जैसे कि होता है, जैसे महीने में तो नहीं लेकिन दो महीने चार महीने में कभी मन करता है तो मैं ज़रूर से घर पे बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो ये देखिए मुझे दो तीन जैसा जैसा मुझे शेप आ रहा था तो फिर मैं वैसे ही मतलब बना रही थी और सीख भी रही थी कि किस तरीके से बनाना है, ये वाला शेप कैसे बनता है, वो वाला होता है ना, तो वही मैं फिर अपने से ही जो है कि बना बना के देख रही थी। और देखिए करते करते ऐसी मैंने कई तीन से चार शेप में ऐसी मोमोस को जो है कि बना के रेडी किया। और गाइस आपको ये भी ध्यान देना, जैसे इसमें मैंने जो गाजर डाली है ना, लाल वाली डाली है, तो अगर आपको थोड़ा सा मतलब मिठास रहेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है मोमोस, बहुत ही ज़्यादा। अगर जैसे कि थोड़ा सा मिठास आपको नहीं पसंद है तो आप जो है ना कि एक येलो वाली जो आती है ना गाजर, वो आप डाल सकते हो मोमोस में, या तो आप नहीं अगर गाजर डाल रहे हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। आप सिर्फ जो है कि बंद गोभी, जो भी गोभी होती है ना, गोभी और प्याज वगैरह से भी बना सकते हो या और भी वेजिटेबल टेबल्स डाल के बना सकते हो। तो देखिए हमारा जो है कि ना ये पानी भी उबल गया था, बॉईल हो गया था, भाप ये देखिए निकल रही है ना, तो फिर मैं जो है कि जितना मोमोस मेरी रेडी था उतना मैंने मोमोस को जो है कि बना के डाल दिया है। तो एक बैच गाइस ये देखिए मेरा जो है कि मोमोस मैंने इसमें डाल दिया है, अब दूसरा बैच का मैं बेल के स्टफिंग भर के जो है कि तैयार कर लूँगी। ये देखिए गाइस, और ज़्यादा ध्यान रखना है कि मोमोस को ना ढेर सारा एक में नहीं भर के बनाना है, आपको ऐसे दूर दूर रखना है। अगर एक में आप करते हो ना, क्योंकि ये जैसे ना जैसे ये मोमोस ना थोड़ा बनने के बाद ना थोड़ी थोड़ी ना चपकने लगता है एकदम से, तो अगर आप एक में बनाओगे ना तो ये चपक जाएगा एक में, तो इसीलिए थोड़ा कम ही कम आप जो है कि बनाइए डालिए उसमें। तो देखिए गाइस हमारा मोमोस जो है कि रेडी हो गया था और साथ में हमारी चटनी पहले से ही रेडी हो के रख गई थी। तो देखिए मैंने निकाल लिया गाइस, अब मैं देने जा रही हूँ बच्चों को। अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और गाइस आप लोग मोमोस इस तरीके से मैं जैसे बनाई हूँ आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा।